भारत और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा दूसरा वनडे मुकाबला पूरे तरीके से टीम इंडिया की चपेट में नजर आ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि भारत ने श्रीलंका को 48वें ओवर की पहली गेंद पर दे दिया है सातवां झटका, और सातवें झटके के रूप में यहां पर लगा है श्रीलंका को बहुत बड़ा झटका। श्रीलंका के शानदार बल्लेबाज चरित असलंका को यहां पर चलता किया है भुवनेश्वर कुमार ने। भुवी की तेज गेंद पर यहां पर असलंका के पास कोई जवाब नहीं था, बड़े हिट लगाने के लिए वो जा रहे थे, जिसकी बदौलत यहां पर भारत को एक अच्छा यहां पर विकेट जरूर मिला है। हालांकि श्रीलंकाई टीम जो एक समय लग रहा था कि शायद 200 भी ना बना पाए, उस टीम ने करीब करीब 250 तक पहुंचने का अपना जो लक्ष्य है वो पहुंचने में कामयाब रही है। श्रीलंकाई टीम थोड़ी सी कमज़ोर ज़रूर नज़र आई है अभी तक इस मुकाबले में, लेकिन बहुत अच्छा मुकाबला अभी ये देखने को मिला है। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से भारतीय टीम इस मुकाबले में खेलती है। हालांकि अभी फिलहाल इनिंग्स के आखिरी ओवर चल रहे हैं, आखिरी 2-3 ओवर का खेल फिलहाल बचा हुआ है, और भारतीय टीम ये बात जानती है कि अगर श्रीलंका को उन्हें हराना है तो कम से कम स्कोर पर रोकना होगा आज। लेकिन ताबड़तोड़ अंदाज में श्रीलंकाई टीम की तरफ से बल्लेबाजी हो रही है। अंत में करुणारत्ने एक बार फिर पिछले मुकाबले की तरह ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन भारत की गेंदबाजी के आगे आज फिर नतमस्तक नजर आ रही है पूरी की पूरी श्रीलंकाई टीम। जबरदस्त अंदाज में आज इन्होंने प्रदर्शन किया है, स्पेशली भारतीय टीम के गेंदबाजों की अगर बात की जाए। भुवनेश्वर और चहर महंगे जरूर साबित हुए हैं, लेकिन आज उन्होंने विकेटें भी निकाली हैं। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।